कैसे हो आप सब लोग। और अभी हो रहा है आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। और हमारा है नया ब्लॉग और ये है हमारी रानी। और रानी ने रेस्क्यू किया है एक पप्पी। तो ये पप्पी क्या है, इसको परेशान करता है और अभी सीढ़ी चढ़ना सीख गया है। ये मेरी रानी बैठी है, ये देखो वो छत पर पहुंच चुका है। कितना होशियार हो गया ये, और इसको कोई भी लेना नहीं चाहता है। पता नहीं क्यों नहीं अडॉप्ट कर सकते इस बच्चे को, छोटा सा बच्चा है बेचारा, फिर भी पता नहीं कोई नहीं लेना चाह रहा है। कोई नहीं बेचारा, अभी थोड़ा और बड़ा हो जाए, देखते हैं कोई ले लेगा तो, नहीं तो फिर हमारा एक स्टोर है वहाँ पे लोग रहते हैं अकबर कर, तो वहीं पे इसको छोड़ देंगे, ये सभी के साथ वहाँ पे रह लेगा। बहुत ही ज़्यादा सुंदर है रानी। इधर देखो रानी, रानी इधर देखो बेटी, देखो रानी हमारी, रानी इधर देखो रानी, ये देखो रानी हमारी, ये रही। और वो ऊपर चढ़ता ही चला जा रहा है और उसको रोकना ज़रूरी है क्योंकि छोटा बच्चा है और अभी गिर जाएगा। कहाँ जा रहा है बेटा? ये देखो ये बैठ गया मम्मी के साथ, इसका नाम हमने रख दिया है लकी। और इसको कोई ले लो, इसको कोई भी एड्रॉप्ट कर लो बच्चे को, तो कितना अच्छा रहेगा। क्योंकि हमारे पास तो पहले जी रानी है और हमारा राजा था वो बेचारा एक्सपायर हो गया है गंगा स्नान के दिन, जिसकी मतलब बहुत खाली पंजा है उसके बिना। ये देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, कितना आराम से बैठ गया है। हमने इसको लक्की कहना शुरू कर दिया है, लक्की इसका नाम रख दिया है। और कोई भी इसको ले सकता है और लेना चाहे तो ले लो, इसको एडॉप्ट कर लो बेचारे को, उसको एक घर मिल जाएगा मासूम से बच्चे को, नहीं तो भगवान तो है ही सबका। और इसी के साथ मिलते हैं अपने नए ब्लॉग में और नई स्टोरी के साथ। सभी को थैंक यू, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो प्लीज़।